प्यार बिना दिल बंजर तरती जिद चार चपेट उजाड़ा जे कदमा विच था बख्शी ते मैं लख लख शुक्र मनावा तांगा तेरिया ने पिछे पिछे ला लिया तांगा तेरिया ने पिछे पिछे ला लिया असा प्यार उमरा दा पा लिया वे जीवन नवा लिया ऐने नवा लिया साथी असा जिंदगी दा चुन लिया तेनू वे हुण पावे कमली पावे कमली जहान कवे मैनू तो खाखिया ने किया दखा लिया तो खाखिया ने किया दखा लिया वे जी मैंने नवा लिया मैंने नवा लिया कदर मेरी कला जदों रोवेगा जिस दिन मर गई जिस दिन मर गई उदास बड़ा होवेगा आटा पेपर वालन ला लिया आटा पेपर वालन ला लिया वे जी मैंने नवा लिया मैंने नवा लिया तांगा तेरिया ले पिछे पिछे ला लिया असा प्यार उमरा दा पा लिया वे जी मैंने नवा लिया मैंने नवा लिया जी मैंने नवा लिया अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं खवातीन हज़रात जिसका नाम है कब कहां कैसे। हम आपको कुछ चीजें दिखाते हैं और वो चीजें सच भी हो सकती हैं झूठ भी हो सकती हैं। आइए देखते हैं पहली चीज क्या है। गुड भाई ये बेस्ट के वन ऑफ द फर्स्ट मेथड एक्टर्स मिस्टर मार्लन ब्रांडो है जी। क्या बात है मार्लन ब्रांडो इन दी मंजी ब्रांडो जी। बल्कि हम लोग ये भी कहेंगे कि सब कॉन्टिनेंट में जो पहले आप मेथड एक्टर कह सकते हैं वो दिलीप कुमार साहब भी थे। वाह जी क्या बात। बहुत दिनों बाद एक आपको बड़ी मजेदार इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक नई सीरीज आने वाली है जिसका नाम है द ऑफर। द ऑफर उस पूरी कहानी के ऊपर बनी है कि द गॉडफादर फिल्म कैसे बनी किन हालात में बनी और किन लोगों ने बनाई उनके ऊपर ये सीरीज बनने वाली है। Good. और उसके अंदर ये नहीं है उसकी टेंशन ना लो ते बाहर भी है नहीं के ये जड़ा तोड़े का टीवी है ना ये उधर से भी नहीं आंदे नहीं साहब आप खुद एक बहुत बड़े मेथड एक्टर हैं और जहां दिलीप कुमार साहब 40s में मेथड एक्टर आए और ये 50s में आए तो आपका क्या कंपैरिजन है इन दोनों के ऊपर। अरे कंपैरिजन तो कोई भी नहीं है। बात यह है कि जिस दौर में दिलीप साहब आए थे उस दौर में हम उस जॉनर में थे। बंतु का शली लैला इधर शली करेक्टराइजेशन नहीं थी वो एक लय और सुर में सारा कुछ हो रहा था। दिलीप साहब ने आके ये सलीका सिखाया कि कैरेक्टर क्या होता है करेक्टराइजेशन कैसी होती है ये एशिया में उन्होंने हम सबको सिखाया। तो दी मार्लन ब्रांडो साहब जब आए तो इन्होंने फिर पूरी दुनिया को दिखाया कि जी करेक्टराइजेशन ये होती है कैरेक्टर कैसे बनाया जाता है और उसको परफॉर्म कैसे किया जाता है और किस तरह से
लोगों में अपना असर छोड़ा जाता है। क्या खूब कहने हैं जी, लेकिन अगर आप फैक्ट्स देखें तो 1940s में द फर्स्ट मेथड एक्टर वाज दिलीप कुमार साहब। ये 10 साल बाद आए, इसलिए हैंस कुमार साहब के लिए तालियां मिलती हैं सर। वाह वाह। गले च टॉन्सिल्स बने ने, उन्होंने इलाज वास्ते लोगों को पैसे कट्ठे करके दियो, बेचारे दो गुर्दे फेल हो गए, उन्होंने स्कूले दाखिल कराओ। अरे यार इनको छोड़े, पता नहीं कहां के गॉडफादर हैं, लेकिन असल मूवी जो गॉडफादर है उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूं सर, उससे अच्छी फिल्म अब तक बनी नहीं। और जो कैरेक्टराइजेशन दी मार्लन ब्रांडो साहब ने उसमें की है, वो आज तक हम सब के लिए सीखने की एक वो एक ऐसी एक बेंचमार्क है पूरा। और मारियो पुलुजो ने जब ये लिखी थी, स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा था इसका, है ना जी? बिल्कुल। अच्छा, अगर गॉडफादर में आपको कोई कैरेक्टर होता, अगर मौका मिलता तो कौन सा प्ले करते? वैसे तो मैंने दी मार्लन साहब वाला ही रोल करना था, लेकिन अगर उनके बाद कोई रोल करना पड़ता तो वो सनी जो पहला बड़ा बेटा होता है। अरे वाह जी वाह। अच्छा, यहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर प्ले करना था आपने? जी बिल्कुल। जी कभी ऐसा आपने गॉडफादर देखा? कभी भी नहीं। ये तो मुझे मांगने वाले लगे हैं, जो रोड पे ऐसे मांगते नहीं है हाथ टेढ़े वेढ़े करके, और वैसे भी इनके हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इनको प्रैक्टिस है। एक्सक्यूज मी मैम, हाथ टेढ़े वो लोग करते हैं जो एक्टिंग करते हैं, इन्हें देते अल्लाह वालों ही हाथ पैर बेंगे। ए गड्डियां लेके जा कहंदा देव अल्लाह दे नाम ते मौत फादर आया। और गड्डी का शीशा एडे कॉन्फिडेंस नाल खड़कांदा, लगदा एदी है। शट अप, अल्लाह देने ते कोई पैसा दे, पैसा नहीं मैनू वैसे दे, कम नहीं कराना मर वैसे दे, खादी नहीं मैं रोटी। या 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 ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗੋਡਫਾਦਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੋਡਫਾਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਜੇ ਗੋਡਫਾਦਰ ਦੀ ਤੇ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਬਸ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਆਈਟਮ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅਸਲ ਆਈਟਮ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਆਈਟਮ ਤੋ ਯਹਾਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਚਮੇਲੀ ਜੀ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰੇ ਮੈਂ ਚਮੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ। तकवे तकवे पतलाए लकवे बिल्ली मेरी अख सजना, बण खड़ के मैं आई चिटी मुंडिया बजाए, मेरे हुस्न दे हर पासे रौले पै गए, मेरे दिल दा ढोल बजे डम डम डम, मेरे दिल दा बजे बने डम डम डम। अरे